Send me pieces up back together now. What's your vision? नई दिल्ली के हृदय कनॉट प्लेस में महाभारत कालीन श्री हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर उपस्थित हनुमान जी स्वयंभू हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा सवाई राजा जयसिंह ने 1724 में करवाया था। ये राजपूत हिंदू स्थापत्य कला का एक बेहतरीन नमूना है। प्रत्येक मंगलवार एवं विशेषतः हनुमान जयंती के पावन पर्व पर यहाँ भजन संध्या और भंडारे लगाकर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाता है। मान्यता अनुसार प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत तुलसीदास जी ने दिल्ली यात्रा के समय इस मंदिर में भी दर्शन किए थे, तभी उन्होंने इस स्थल पर ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। वर्तमान इमारत आम्बेर के महाराजा मानसिंह प्रथम, जो 1540 से 1614 ईस्वी तक हुए, ने मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में बनवाई थी। इसका विस्तार महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, जो 1688 से 1743 तक के समय हुए, ने जंतर मंतर के साथ ही करवाया था। दोनों इमारतें निकट ही स्थित हैं। इसके बाद भी इमारत में समय समय पर कुछ कुछ सुधार बदलाव आदि होते रहे हैं। इस मंदिर का विशेष आकर्षण यहाँ होने वाला 24 घंटे का अटूट मंत्र जाप है। ये जाप श्री राम जय राम मंत्र का होता है। यह 1 अगस्त 1964 से अनवरत बिना रुके चलता आ रहा है। बताया जाता है कि ये विश्व का सबसे लंबा जाप है और इसकी रिकॉर्डिंग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अंकित है। हनुमान मंदिर के पास ही प्राचीन शिव मंदिर और नवग्रह मंदिर है। इस प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण भी राजा जयसिंह ने ही करवाया था। साथ ही दक्षिण भारतीयों का गणेश मंदिर भी है। हनुमान मंदिर के साथ ही एक मार्केट भी है, जहां प्रसाद और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है। इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारे बंदर हैं, जो मंदिर प्रांगण से लेकर पूरे मंदिर क्षेत्र में घूमते हैं। कभी मंदिर की छत पे चढ़ जाते हैं तो यहाँ वहाँ कूदते फांदते रहते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर बहुत शांत हैं और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। प्राचीन हनुमान मंदिर पहुँचने के लिए मेट्रो का भी प्रयोग किया जा सकता है। स्टेट्समैन बिल्डिंग के पास 12 खंबा मेट्रो स्टेशन सबसे निकट मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाल बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन भी प्राप्त करते रहें।